हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है स्पाइस इन डिस्गाइज। और इस मूवी की कहानी को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इस मूवी की शुरुआत में हमें वॉल्टर नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि हमेशा से तरह तरह के गैजेट्स को बनाते रहता था। और उसकी खास बात यह होती है कि वॉल्टर का हर एक गैजेट हर एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए होता है, ना कि किसी को हार्म करने के लिए। और वॉल्टर की मॉम एक पुलिस ऑफिसर होती है और वो कभी भी अपने बेटे को ये सब करने से मना नहीं करती। और उसके मॉम के वायरलेस पर एक क्राइम अलर्ट आता है और वो वॉल्टर को बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है। और वॉल्टर अपनी मॉम से कहता है कि वो भी उनके साथ आना चाहता है क्योंकि उसे स्कूल जाना बोरिंग लगता है, क्योंकि स्कूल में सारे बच्चे उसे वियर्ड बुलाते हैं। और तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि वियर्ड होना कोई बुरी बात नहीं है। और वो उसे ये भी कहती है कि एक दिन देखना, तुम्हारे यही सब इन्वेंशन लोगों की हिफाजत करेंगे और उस समय वो सारे लोग तुम जैसे वियर्ड होने का सपना देखेंगे। और ये कहकर वो अपने काम पर चली जाती है। और फिर हमें 14 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लैंस स्टर्लिंग नाम के एक स्पाई को देखते हैं जो कि अपने खास मिशन पर वहाँ पर आया होता है। एक किमोरा नाम के आदमी ने उनके एजेंसी के बहुत ही एडवांस ड्रोन को चुरा लिया था। और वो ड्रोन काफी खतरनाक होता है क्योंकि वो ड्रोन अपने टारगेट को हर हालत में हिट करता था। और लैंस को किसी भी हालत में उस ड्रोन को उससे छीन कर लाना था। और वो देखता है कि किमोरा उस ड्रोन को एक किलियन नाम के आदमी को देने वाला होता है और उस आदमी का एक हाथ रोबोटिक है। और लैंस तुरंत उन दोनों पर हमला करता है और किमोरा को मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है। और फिर जैसे ही वो किलियन पर हमला करने के लिए जाता है वो अपने रोबोटिक हाथों से उसे पकड़ लेता है और लैंस के चेहरे को स्कैन करने लगता है। और किसी तरह से लैंस अपने आप को उसे छुड़ाता है, मगर तब तक किलियन के बहुत सारे आदमी वहाँ पर आ गए थे। और फिर लैंस अपने जेब से एक गैजेट निकालता है और उनकी तरफ फेंक देता है और उस गैजेट से एक ग्लो करने वाली किटी सभी को दिखाई देती है और सभी लोग फ्रीज होकर उसे ही देखने लगते हैं। और लेंस अपने एक और गैजेट की मदद से किलियन के पास उड़कर ड्रोन वाला गैजेट उससे ले लेता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि लेंस वो ब्रीफकेस लेकर अपने ऑफिस में आया होता है और वो सीधा वहाँ के गैजेट रूम में जाता है और वो पता करता है कि वो अनोखा गैजेट जिससे ग्लोइंग किटी निकलती है वो किसने बनाया है। और वहीं पर हम वॉल्टर को देखते हैं जिसे कि हमने मूवी के शुरुआत में देखा था और उसी ने इस अनोखे गैजेट को बनाया होता है। और लेंस उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम ये बकवास की चीजों को बनाना बंद कर दो क्योंकि ये गैजेट किसी को हार्म नहीं करती। और वो उसे काम से निकाल देता है, मगर वॉल्टर उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि वो एक इनविजिबल होने वाली टेक्निक पर काम कर रहा है, मगर लेंस उसकी एक भी बातों को नहीं सुनता और उसे फायर कर देता है। और लेंस वहाँ की हेड मिसेस जॉय जेंकिंस को वो ब्रीफ केस सौंप देता है, मगर उसमें से वो ड्रोन गायब होता है। और तभी वहाँ पर इंटरनल अफेयर की एक एजेंट मार्सी आती है और उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें लेंस उस ड्रोन को चुराता हुआ दिखाई दे रहा है। और लेंस उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये आदमी वो नहीं है और ये जरूर उस रोबोटिक हाथ वाले किलियन का काम है, मगर मार्सी लेंस की बातों पर भरोसा नहीं करती और वो उसे कस्टडी में लेना चाहती है, मगर लेंस वहाँ से भाग जाता है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि किलियन्स ने ही होलोग्राम की मदद से लेंस के फेस का इस्तेमाल किया था और लेंस के पीछे अब पूरी एजेंसी पड़ी हुई थी उसे पकड़ने के लिए। और लेंस को किलियन्स तक पहुंचने के लिए किमोरा के पास जाना होगा और वो सैटेलाइट की मदद से किमोरा का लोकेशन पता करता है। और लेंस को वहां पर पहुंचने के लिए लगभग उसे पूरी तरीके से गायब होना होगा। और गायब होने की बात से उसे वॉल्टर की याद आती है और वॉल्टर अपने घर पर गायब होने वाले सीरम पर काम कर रहा होता है। और वॉल्टर के पास एक कबूतर होता है जिसका वो एक पंख अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करता है और उस पंख पर वो सीरम डालते ही वो पंख गायब हो जाता है और वॉल्टर का एक्सपेरिमेंट काम कर रहा था। और तभी उसके पास लेंस आता है और वो उसे कहता है कि उसे गायब होने वाला गैजेट चाहिए और वो वॉल्टर के हाथ से ग्लास लेकर उसे पानी समझकर उसे पी जाता है। और वॉल्टर उसे बताता है कि जो अभी उसने पिया है उसमें कबूतर का डीएनए मिला हुआ था और इसीलिए कुछ देर में वो एक कबूतर में बदल जाएगा, मगर लेंस को वॉल्टर की बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन सच में कुछ ही सेकंड के बाद लेंस एक कबूतर में बदल गया था और वो वॉल्टर को गुस्से में कहता है कि ये उसने क्या किया। और वो उसे कहता है कि वो जल्दी से उसे वापस से इंसान में बदल दे, मगर वॉल्टर उसे कहता है कि उसने अब तक इसका एंटीडोट नहीं बनाया है, मगर वो बहुत जल्द इस पर काम करेगा। और लेंस उसे कहता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है और उसे जल्द से जल्द किलियन्स को ढूंढना होगा। और लेंस वॉल्टर को सारी बातें बता देता है कि एजेंसी के लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। और फिर वॉल्टर उसे धीरे से कहता है कि उसने पहले ही एजेंसी वाले को कॉल करके ये बता दिया है कि तुम यहाँ पर हो। और फिर लेंस वहाँ से भागने लगता है, मगर वो एक कबूतर होने के कारण अपनी कार में बैठ नहीं पा रहा था।
और वो वॉल्टर को उसकी मदद करने के लिए कहता है और वो उसे अपने साथ कार में बिठा कर ले जाता है। और एजेंसी वाले तभी वहाँ पर पहुँच चुके थे और वो उसके कार का पीछा करने लगते हैं, मगर लेंस के कार में कई तरीके के गैजेट होने की वजह से वो उन्हें चकमा देने में कामयाब होते हैं। और फिर हम लेंस और वॉल्टर को जेट की मदद से मैक्सिको जाता हुआ देखते हैं और वहीं पर वॉल्टर अपने एंटीडोट पर काम कर रहा होता है और वो लेंस को बताता है कि इसे बनाने में उसे लगभग 18 घंटे लगेंगे। और फिर वो दोनों उसी होटल में जाते हैं जहाँ पर किमोरा ठहरा हुआ था और लेंस को वहीं पर कुछ और कबूतर मिलते हैं जो शायद से उसके दोस्त बनना चाहते थे। और लेंस सीधा किमोरा के कमरे में जाता है और उसे छुपकर पूछता है कि किलियन कहाँ पर है, लेकिन किमोरा को बहुत जल्द समझ आ जाता है कि वहाँ पर लेंस नहीं बल्कि कोई और है और वो उस कबूतर को यानी लेंस को एक रिमोट ऑपरेटेड डिवाइस समझता है। और किमोरा उस कबूतर को मारने ही वाला होता है कि वॉल्टर अपने गैजेट की मदद से किमोरा को पैरालाइज कर देता है और वो उसके ऊपर एक ट्रूथ सीरम डालता है जिस वजह से वो उन्हें सब कुछ बता देता है कि किलियन वेनिस जा रहा है सारे एजेंट का डेटाबेस चुराने के लिए ताकि वो सबको एक साथ खत्म कर सके। और फिर लेंस कैमरे में देखता है कि मार्सी उनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच चुकी है और वो किमोरा को उठाकर गेट के पास डाल देते हैं और उनके कमरे के अंदर आने के पहले ही वो लोग खिड़की के थ्रू वहाँ से भाग जाते हैं। और वॉल्टर का एंटीडोट भी तब तक बनकर तैयार हो जाता है और वो लेंस का एक पंख लेकर उसमें डालता है, मगर वो एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता और वॉल्टर कहता है कि वो फिर से ट्राई करेगा। और वॉल्टर उसे भरोसा दिलाता है कि वो बहुत जल्द उसका एंटीडोट बना देगा। और फिर वो दोनों एक याच लेकर वहाँ से वेनिस की तरफ निकल पड़ते हैं और वो एजेंसी के डेटा वर्ल्ड तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मार्सी पहले से मौजूद होती है और वो वॉल्टर से कहती है कि लेंस कहाँ पर है, जबकि लेंस वहीं पर बाजू में होता है और क्योंकि वो एक कबूतर था इसीलिए मार्सी उसे पहचान नहीं पाती। और तभी वहाँ के एक वॉल्ट में धमाका होता है और फिर सभी लोग उस वॉल्ट की तरफ भागने लगते हैं और लेंस और वॉल्टर भी वहीं पर पहुँचते हैं जहाँ पर कि लेंस एजेंट का डेटाबेस चुरा रहा था और वो डेटाबेस को चुरा कर वहाँ से भाग रहा था, मगर लेंस वहाँ पर अपने दो और कबूतरों के साथ उसका पीछा करता है और एक बार तो वो डेटाबेस नीचे गिरने वाला होता है कि तभी वहाँ पर वॉल्टर आकर उसे पकड़ लेता है और वो सब मिलकर उस ड्रोन को भी किसी चीज से टकरा कर तोड़ देते हैं। और वो लोग डेटाबेस को पाकर खुश हो रहे थे कि तभी किलियन उन पर हमला कर देता है और उन्हें वहीं पर गिरा देता है और किलियन वॉल्टर को अपने पैरों से मारने वाला होता है कि तभी वॉल्टर अपने जेब से कुछ ब्रेड के टुकड़े निकालकर उसके ऊपर फेंकता है जिसके वजह से वहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे कबूतर किलियन पर हमला कर देते हैं और इसी का फायदा उठाकर वो सभी लोग वहाँ से भाग पाते हैं। और मार्सी वहाँ पर आकर किलियन को पकड़ने वाली होती है कि वो फिर से लेंस का फेस लगा लेता है, मगर मार्सी इस बार उसका रोबोटिक हाथ देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये लेंस नहीं हो सकता। और वॉल्टर और लेंस सबमरीन से जा रहे थे और लेंस इस बात से बहुत परेशान होता है क्योंकि किलियन उस डेटाबेस को अपने साथ ले गया था और उसके हजारों एजेंट की जान अब खतरे में है कि तभी वॉल्टर उसे बताता है कि उसने किलियन पर एक चिप लगा दी थी जिस वजह से अभी भी वो लोग उसका लोकेशन पता कर सकते हैं। और फिर लेंस खुशी के मारे वॉल्टर को गले लगा लेता है और तभी वॉल्टर देखता है कि लेंस ने एक एग दिया है और तभी उसे पता चलता है कि लेंस एक फीमेल कबूतर है और वॉल्टर को समझ आ जाता है कि उसने अपने एंटीडोट में मेल डीएनए का इस्तेमाल किया था और इसी वजह से उसका एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था। और फिर वो तुरंत फीमेल कबूतर का डीएनए लेकर एक नया एंटीडोट बनाने लगता है और उस एंटीडोट को पीते ही लेंस दोबारा से इंसान बन जाता है। और फिर वो दोनों किलियन को रोकने के लिए उसके ठिकाने की ओर बढ़ने लगते हैं, मगर वहाँ पर पहुँचते ही लेंस वॉल्टर को बेहोश करके वापस भेज देता है क्योंकि लेंस वॉल्टर को कोई भी नुकसान नहीं होने देना चाहता था। और फिर लेंस छुपते हुए किलियन के अड्डे पर पहुँचता है और वहाँ पर उसका एक ड्रोन उस पर हमला कर देता है, मगर लेंस उस ड्रोन को तोड़कर किलियन के सामने फेंक देता है। और फिर किलियन हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ एक ही ड्रोन का इस्तेमाल करूंगा इतने सारे एजेंट को मारने के लिए। और किलियन के पास वैसे हजारों ड्रोन होते हैं और वो लेंस को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बंदी बना लेता है। और फिर किलियन लेंस को कहता है कि आज वो जो कुछ भी है वो उसी की वजह से है क्योंकि उसकी एजेंसी के ड्रोन के हमले में किलियन ने अपने पूरे परिवार को खो दिया और वो उन सब से अब उसका बदला लेगा। और वो कहता है कि वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और तभी किलियन कंप्यूटर में देखता है कि कोई चीज उसकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है और ये वॉल्टर ही होता है
जो कि वापस आ रहा था, और फिर किलियन जल्दी से अपने ड्रोन्स को भेजकर उस पर हमला करा देता है, जिसे देखकर लेंस की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिसेस जॉय जेंकिंस एजेंसी की सभी लोगों को एक जगह पर सेफ रखने की कोशिश कर रही है, और कुछ देर के बाद लेंस देखता है कि उसके पास दो कबूतर और वॉल्टर आ गए हैं, और वॉल्टर अपने गैजेट की मदद से बचने में सफल रहा था, और वॉल्टर ने मार्सी को भी वहाँ पर बुला लिया था, और वो सारे मिलकर किलियंस के ड्रोन से लड़ने लगते हैं, और मार्सी भी उन्हीं के साथ लड़ाई कर रही होती है। और तब तक वॉल्टर किलियन के उस रोबोटिक हाथ को हैक करने की कोशिश करता है, और वहीं दूसरी तरफ किलियन के सारे ड्रोन एजेंसी पर हमला कर देते हैं, और वो लोग कुछ ही देर में उसे तोड़कर अंदर आने वाले थे, और वॉल्टर अपने द्वारा बनाया हुआ गैजेट लेंस और मार्सी को देता है, जिससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो सकता। और फिर किलियन वॉल्टर को देख लेता है और वो उसे ड्रोन की मदद से उड़ाते हुए बहुत ऊपर ले जाता है, और वॉल्टर ने तब तक पूरी तरीके से उसके रोबोटिक हाथ को हैक कर लिया था, और वॉल्टर एक ही बटन को दबाकर उसके सारे ड्रोन्स को डिसेबल कर सकता था, मगर किलियन उसे कहता है कि अगर उसने उसके ड्रोन को डिसेबल किया तो वो भी उसके साथ मारा जाएगा। मगर वॉल्टर उस पर एक गैजेट लगा देता है और अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस बटन को दबा के सारे ड्रोन को डिसेबल कर देता है, और वो सारे ड्रोन जो कि एजेंसी पर हमला करने वाले होते हैं वो वहीं पर बंद होकर नीचे गिर जाते हैं, और वॉल्टर तेजी से नीचे गिरने लगता है, और लेंस को वहां पर वो सीरम मिलता है जिसे पीकर वो दोबारा से कबूतर बन जाता है, और अपने बाकी के कबूतर दोस्तों के साथ मिलकर वॉल्टर को नीचे गिरने से बचाता है, और किलियन भी वॉल्टर की गैजेट की वजह से मरने से बच गया था। जॉय जेंकिंस और वॉल्टर को एजेंसी की हेड मिसेस जॉय जेंकिंस एक नई टीम को लीड करने के लिए कहती है, जहां पर वो अपने तरीके से काम करेगा और किसी और को नुकसान नहीं होगा। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।